बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे लोग लाए गए जिनके खिलाफ हमारी ये तहरीक है। डेड स्क्वाड्स के लोग, वो जो बलोच नस्ल कुशी में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट मुलविस हैं। आज हमें सिक्योरिटी के सबसे ज़्यादा कंसर्न है और आज हम ये कह रहे हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम ख़ानदान, औरतों और बच्चों को सिक्योरिटी के कंसर्न है। अब ये पता चलता है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक तरफ मुज़ाकरात की डोंग रचा कर किसी औरत को बेचती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और दूसरी जानब हमारी जो पुरअमन तहरीक है, जो बलोच नसल कुशी के ख़िलाफ़ है, जो जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ है, जो आइनी और कानूनी तहरीक है, उसको सबोताश करने के लिए इस तरह के ग्रोह लाए गए हैं। इनका मकसद ये है कि यहाँ पे औरतों और बच्चों पर हमला आवर हो सके। यहाँ बैठे हुए हर शख्स को, हर फर्द को अब सिक्योरिटी कंसर्न है, और हम इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को अब ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये वो रियासती संजीदगी है। जो लोग यहाँ आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, मीडिया आई, क्या हुकूमत जवाब दे रही है, क्या हुकूमत संजीदा ले रही है, ये है हुकूमत की संजीदगी, और ख़ासकर बलूचिस्तान हुकूमत की संजीदगी ये है। जो वोट के नाम पर टाउट्स उन्होंने बनाए हैं, जो घर घर जाकर साइल और वसाइल का नाम ले रहे हैं, ये उनकी हकीकत है कि ये तहरीक जो पूरी बलूचिस्तान की तहरीक है, उस तहरीक को सबोताश करने के लिए अपने मुसल्ला ग्रोहों को यहाँ लेकर आए हैं और नाराबाजी करके हम पर हमला आवर होने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार ये रियासत होगी, बलूचिस्तान की हुकूमत होगी, और वो लोग होंगे जो यहाँ सामने बैठ कर औरतों और बच्चों को हरासा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी एक ही वक्त पर आप लोग इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पिछली साइड पर वो चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बलोच ही हैं सब, उस तरफ शहीदों का प्रोटेस्ट है और यहाँ पर मिसिंग पर्सन्स का, क्या कहेंगे? देखिए, वो रियासत का काम है। हम बारह कह चुके हैं, हम खुद मजलूम कौमें हैं, हम पर खुद जुल्म हुआ है, हम पर खुद तशद्दुद हुआ है, जो कुछ हो रहा है वो रियासत संभाले, रियासत की जिम्मेदारी है, उनका जो मुतालबा है वो रियासत से करते रहें। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे कैंप की जगह में सामने आकर कैंप लगाने का मकसद यही है कि हमें हरासा किया जाए, हमारे औरतों और बच्चों को थ्रेट किया जाए, इसके अलावा और कोई भी इसका जवाज़ नहीं है। 45 दिनों से ये तहरीक जारी है, 45 दिनों के दौरान हम 12 कह चुके हैं, ये पुरअमन तहरीक है जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के खिलाफ, अपने आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को अदालतों में पेश किया जाए। मगर उसके जवाब में क्या किया जाता है, उसके जवाब में हरासा किया जाता है, हमें मारा जाता है, और अब कुछ डाउट्स को सामने लाकर सिर्फ और सिर्फ इस तहरीक को सबोताश करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम जो है कई दिनों से, जब से हमारा मार्च जारी है, हमने देखा है बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। कभी हमारे इस मार्च को जो है किसी एजेंडे की बुनियाद पर कहा जाता है, कभी हमारे मिसिंग लव्ड वन को कहते हैं कि वो जो है इंडिया में वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स में बैठे हैं, जबकि वही बलूचिस्तान के लोग जब एक जो है पट्टी के दरमियान इस साइड पर बैठे हैं तो उनके खिलाफ इस तरीके के उनको एजेंडों से नवाजना और उनकी दर्द और तकलीफ़ को इग्नोर करना, जबकि हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से वहाँ पर जो नए लोग आए हैं उनको आज हमने देखा है कि मीडिया किस तरीके से वहाँ पर जमा है, किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है। हम यहाँ पर बैठे हैं, दो तीन जो है मीडिया कम्युनिटी के अलावा और किसी ने भी अभी तक हमें जो है सपोर्ट नहीं किया। अगर कुछ लोग आए भी तो हैं, उन्होंने हमारा मीडिया ट्रायल किया है, हमारे इस मसले को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो इस चीज़ से हम देख रहे हैं कि अगर हम वाकई हमारे मसले को जेन्युइन मसला या फिर बलोच के मसले को, बलोच का मसला कहा जाता है, तो यहाँ पर 15 दिनों से बैठे लोग क्यों मीडिया को नज़र नहीं आ रहे थे? वो अगर 2 घंटों से यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर मीडिया का रश लगा हुआ है, इस तरीके की चीज़ों को देखकर हम वाकई इस चीज़ को जो है, हमें खदशा है कि इन लोगों को वाकई बुलाया गया है, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ ख़वातीन और बच्चे हैं, उनको हमें जो है सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और हम चाहते हैं कि इस इशू को बेहतर तरीके से हल किया जाए।